Hello, welcome to Arbind Singh Academy. We are discussing redox reaction. This is the lecture number 4. I hope you have already watched part 1 to part 3 before watching part 4. In this lecture, we are going to discuss about the type of redox reaction. So, redox reaction ke types ki baat karenge aur isliye sabse pehle thodi si aap रिवीजन कर लेते हैं. अभी तक हमने ये सीखा है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, यानी रिडॉक्स का मतलब है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं, और ये दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, इसलिए हम इस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मेथड भी हमने सीखा, और अब हम उस पर थोड़ी सी एक बार रिविजन कर लेते हैं, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. सो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. द इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन केमिकल रिएक्शन, the increase of oxidation number of an element in chemical reaction is called oxidation, right? Oxidation. So this is the first thing. Means oxidation is the increase of oxidation number of any element. And what about the reduction? So of course the reduction is nothing else but decrease in oxidation number of an element in substance is called a reduction. ठीक है, अच्छा. तो ये दो बातें हो गई. तीसरी बात ये हुई कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे, ये क्या होता है. सो एंड रीएजेंट व्हिच इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर which increase the oxidation number is called oxidizing agent, or it is also called what, oxidants, राइट. तो ये होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इंक्रीज करने में मदद करते हैं. इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, तो लेट मी राइट ऑन द नेक्स्ट पेज. रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, सो व्हाट अबाउट रिड्यूसिंग एजेंट व्हिच विल लोअर द एंड रीएजेंट which will decrease or lower the oxidation number is called a reductants. So ये है reducing agent की बात. So एक है oxidizing agent और एक है reducing agent. अब अगर oxidation और reduction हो रहा है, यानी increase और decrease हो रहा है, तो इसका मतलब है कि redox हो रहा है. Oxidation number में increase या decrease हो रहा है तो redox हो रहा है. So redox is a reaction. रिडॉक्स रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, जहां पे इधर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो. सो द केमिकल रिएक्शन
chemical reaction is said to be a redox reaction. Redox reaction if there is change in oxidation number of elements, right? So elements of substance. Either if there is no change in oxidation number, then that type of reaction cannot be considered as redox reaction, right? वहाँ पे एक oxidation number change होना ही चाहिए, तब जाके उसको हम कहेंगे redox reaction. क्योंकि oxidation number change होगा, तो इसका मतलब या तो oxidation होगा या reduction होगा. तो oxidation जब एक का change होगा, तो दूसरे का भी change होगा, किसी का increase होगा, तो किसी का decrease भी होगा. और इसी तरह से जो होगा ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा. जिसका इंक्रीज होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका डिक्रीज होगा उसका रिडक्शन होगा. लेकिन अगर दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है. हम उसके कुछ एग्जांपल देंगे, लेकिन आइए पहले टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में सीखते हैं. सो व्हाट आर द टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. सो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. Types of redox reaction. ये हमें सीखना है. तो पहला जो है redox reaction के type में, उसको हम कहेंगे, सबसे जो पहला होता है उसको हम कहते हैं combination reaction. Combination reaction. Combination. Combination मतलब combined होना. तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ दो चीज combined हो रही होगी, है ना. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब हुआ कि दो चीज इसमें कंबाइंड हो रही होगी और दो चीज कंबाइंड होकर के एक तीसरी चीज बना रहे होंगे. जैसे ए और बी दो सब्सटेंस हैं और दोनों आपस में कंबाइन करके एक तीसरी सब्सटेंस सी बना दे, इस तरह का. तो ये दो सब्सटेंस कैसे हैं ये हमें देखना है. कंबाइन क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसका मतलब है कि दो प्योरली डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस हो और वो आपस में कंबाइन होकर के एक तीसरी टाइप का सब्सटेंस बना दें. तो जो दो दूसरी टाइप के सब्सटेंस होंगे जो कंबाइन होने वाले हैं, वो प्योर फॉर्म में होने चाहिए. और आपको पता है कि प्योर फॉर्म किसे कहते हैं, एलिमेंट्स को कहते हैं. यानी दोनों के दोनों जो कंबाइन होने वाली चीज है वो दोनों प्योर फॉर्म में होनी चाहिए. प्योर फॉर्म का मतलब एलिमेंटल फॉर्म में होनी चाहिए. तो अगर दोनों एलिमेंटल फॉर्म में हैं, तो वो दोनों कंबाइन हो करके एक नई चीज बना देंगे. या दोनों में से कम एक तो प्योर होना ही चाहिए जो दूसरे के साथ जाके कंबाइन करे. यानी अगर दो सब्सटेंस, ये कह लूं कि ए और बी आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो या तो ए प्योर होना चाहिए या बी प्योर होना चाहिए, प्योर सब्सटेंस होना चाहिए, या दोनों ही प्योर होने चाहिए. Either A will be in elemental form or B is in elemental form or both are in elemental form. So either A or B or both are in elemental form, and when they combine together they will form another substance that will be a combination of these two type of substances. So that are called combination reaction. So combination reaction, the type of redox reaction, type of redox reaction, a redox reaction in which two elemental substance combine together to form a new substance, right? Or even we can say that if a redox reaction is said to be combination reaction, right, like this, a redox reaction is said to be
combination reaction. Combination reaction. If one of, at least one of, if at least, at least one of the reactant must be in elemental form, yani element ke form, pure form, elemental form, that is pure form. For example, तो हमें इस तरह से reaction करने हैं और ये दोनों के दोनों elemental form में होने चाहिए. तो एक example लेते हैं, हमने carbon और oxygen का ही ले लिया. तो ये oxygen जो है, ये तो है वैसे तो molecule, but है ये elemental form में. क्यों? क्योंकि इसमें oxygen के अलावा कुछ और नहीं है. तो ये है elemental form में. ये carbon है, ये oxygen है. दोनों free nature में है. और आपको पता है, free nature में अगर कोई चीज होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? जीरो जीरो. अब इनसे जो बनेगा, इनसे जो कंबाइन होने के बाद, ये दोनों एलिमेंटल फॉर्म में है और ये कंबाइन होने के बाद बनाते हैं CO2. तो यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन नंबर जीरो थी, ऑक्सीजन की भी जीरो थी. ऑक्सीजन की माइनस टू होती है, आपको पता है. और ये माइनस टू, दो ऑक्सीजन है तो मिलकर क्या हो जाएंगे? माइनस फोर. और माइनस फोर, और ये भी क्या है? प्लस फोर. तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगी. यानी एक जो हो गया, ये अगर डिफरेंट कलर से मैं लिखना चाहूं तो ये कहूं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का इंक्रीज हो गया और इसकी ऑक्सीजन डिक्रीज हो गई. ऑक्सीजन की पहले क्या थी? जीरो. अब क्या हो गया? माइनस टू. कार्बन की पहले थी जीरो, अब क्या हो गया? फोर. यानी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही एलिमेंटल फॉर्म में हैं और रिएक्शन के बाद एक नया सब्सटेंस बना जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं. और इस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया. तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ उसको हम कहेंगे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज होकर के क्या हुआ? जीरो से फोर. और चूंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो कार्बन का क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड हो गया. कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ. और कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड राइट, एज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर increased from 0 to plus 4, right? And here in this reaction oxygen is reduced, iska reduction hua, as its oxidation number decreased from 0 to minus 2. ठीक है, is decreased from 0 to minus 2. तो पहले वाले में oxidation number जो है वो increase हो गया और इसमें इसका oxidation number decrease हो गया. तो इसलिए इसका एक का oxidation हुआ और दूसरे का reduction हो गया. और चूंकि oxidation और reduction हो रहा है, यहाँ पे oxidation हो गया, इसका oxidation हुआ और इसका क्या हुआ? इसका हुआ रिडक्शन, हुआ ना. इसलिए दोनों का मिला करके क्या हो गया? ये एक रिडॉक्स रिएक्शन. ये क्या है? एक रिडॉक्स रिएक्शन. तो इस तरीके से हम अलग अलग चीजों का जो है, अलग अलग जो एलिमेंटल फॉर्म में दो सब्सटेंस होंगे उनको जब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, एक का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए. ठीक है, एक का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन होगा. मैं अगर इसको कहूँ कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया और ये कहूँ कि इसका रिडक्शन हो गया तो इसमें कोई दो बात नहीं है. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है? रिडॉक्स हो रहा है. तो अब हम ये देखना चाहते, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मैग्नीशियम जो है वो N2 के साथ रिएक्शन करे. N2 क्या है? नाइट्रोजन. दोनों ही फ्री नेचर में मिलते हैं, मैग्नीशियम भी फ्री मिलता है, नाइट्रोजन फ्री मिलता है. तो दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? जीरो जीरो, है ना.
आपको पता है कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और नाइट्रोजन की 3 होती है, इसलिए क्या होगा, इसकी एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, सो 3 है इसलिए Mg3 और N2, ये बनेगा एक सॉलिड चीज बनेगी, ये गैसियस स्टेज में है, ये सॉलिड स्टेट में है और ये बन गया आपका ये। इसका भी ये फ्री स्टेट में होगा तो इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में कैलकुलेट करनी है तो कितनी होगी, तो मैग्नीशियम का 2 होता है आपको पता है, तो 2 × 3 क्या होगा, 6, तो ये हो गया +6 और ये होगा -6, तभी जाके 0 होंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इनकी क्या हो गई, बढ़ के 2 हो गई और इसकी घट के क्या हो गई, -3 हो गई। तो इसलिए 2 और 3 यानी 0 से बढ़ के ये क्या हुआ, ये हुआ 0 से बढ़ के क्या हो गया, 2, और ये जो है यहाँ पे 0 से घट के क्या हो गया, -3। तो एक का ऑक्सीडेशन हुआ, इसका इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीडाइज्ड, और ये जो है ये क्या हुआ, ये हो गया रिड्यूस्ड, ठीक है, तो रिड्यूस्ड हो गया और इस तरीके से ये रिएक्शन हुआ। अब अलग से इसमें दोनों ही ये एलिमेंटल फॉर्म में है, लेकिन हमने तो डेफिनेशन में ये लिखा है कि कम से कम एक एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। सो व्हाट टू डू, अगर मैं ये दूसरा अगर रिएक्शन लिखूं कि CH4+O2, अगर ये रिएक्शन हो तो ये बनेगा CO2+H2O, ये बनेगा। तो ऐसी स्थिति में इसकी ऑक्सीडेशन, इसमें ये जो है एलिमेंटल फॉर्म में है लेकिन ये एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, एक कम से कम एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, दोनों के एलिमेंटल फॉर्म में होना जरूरी नहीं है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी कितनी है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 होता है तो इसका कितना होगा, इसका हाइड्रोजन का +1 होता है तो इसका होगा -4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है तो +4 -4, ओवरऑल इनके ऑक्सीडेशन नंबर -4 है। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, ऑक्सीजन की -2 और कार्बन की क्या होगी, कार्बन का +4, यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 है और इसका क्या है, -2। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से घट के -2 हो रहा है, 0 से घट के क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन इसका -2 हो रहा है, तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है ना, ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और कार्बन जो है वो क्या हो रहा है, इसकी -4 से +4 हो रही है। तो कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन का जो हो रहा है वो हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। और अब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, तो चूंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पहले भी +1 था, अब भी +1 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ना तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना इसका रिडक्शन हो रहा है, इसके साथ कुछ नहीं हो रहा, हाइड्रोजन के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि होने के लिए क्या चाहिए, इंक्रीज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ना तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना इसका रिडक्शन हो रहा है, बट ओवरऑल केमिकल रिएक्शन जो है उसमें क्या हो रहा है, उसमें चेंज हो रहा है, इसलिए ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आ गया ना, हाँ ठीक है। तो ये जो है ये पूरा का पूरा एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीजन जो है वो गैस है ना, ये भी है मीथेन जो है वो भी क्या है, गैस है, जो आउटपुट बन रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, गैस, और वाटर क्या है, लिक्विड, तो लिक्विड बन रहा है। यहाँ पे इसको चाहे तो आप बैलेंस भी कर सकते हैं, देखिए ये सी एक है, यहाँ पे भी सी एक है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2H2 4 हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ से 2, यहाँ से 2 4, तो ऑक्सीजन यहाँ 4 होने चाहिए, तो 4 होने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से ऊपर वाला इक्वेशन भी हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ मैग्नीशियम 3 है तो यहाँ 3 मैग्नीशियम होनी चाहिए, और नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, इसलिए इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी ये कि कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है और कंबिनेशन रिएक्शन किस तरह के रिएक्शन को कहते हैं, है ना, क्योंकि
एक अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो इसमें कम से कम एक जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंटल फॉर्म में होता है, और अगर दोनों एलिमेंटल फॉर्म में है तब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, लेकिन दोनों ही कंबाइन करके कोई एक और एलिमेंट बनाते हैं और सब्सटेंस बनाते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, एलिमेंट तो नहीं बनाते कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कहते हैं एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एक होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये क्या होता है जी, डीकम्पोजिशन, कंपोजिशन मतलब कंबाइंड होना, कॉम्बिनेशन, और डीकम्पोजिशन मतलब उसका उल्टा होना। यानी यहाँ पर क्या होगा कि एक बड़ा सब्सटेंस जो होगा कोई कंपाउंड होगा वो ब्रेक हो करके और दो एलिमेंटल फॉर्म में अगर डिसोसिएट हो जाए, अलग अलग हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, उनका विखंडन हो जाए, तो हम उसको कहेंगे डिसोसिएशन, डीकम्पोजिशन, डिसोसिएशन और डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन और ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा है ना, तो इसको हम कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए सीखते हैं कि ये क्या है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, डीकम्पोजिशन, कम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाट इज दिस, राइट। तो ये देखते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। व्हेन ए सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू टू और मोर एलिमेंट्स, सच रिडॉक्स रिएक्शन सच रिडॉक्स रिएक्शंस आर कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। आई होप यू गॉट इट। तो एक सब्सटेंस ब्रेक हो करके दो या ज्यादा एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाए, या कम से कम एक एलिमेंट इसमें से, यहाँ भी यही कंडीशन है कि कम से कम एक एलिमेंटल फॉर्म में आए, तब भी इसको कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। टू और मोर कंपोनेंट्स एलिमेंट्स के बजाय कंपोनेंट, क्योंकि कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, कंपोनेंट लिख देता हूं, कंपोनेंट्स सच दैट रिएक्शन आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, एंड देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन कंपोनेंट इन एलिमेंटल फॉर्म, कम से कम एक जो होना चाहिए वो एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। तो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट में अगर ब्रेक हो रहा है तो उसमें से कम एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया था उसी को देखते हैं, जैसे H2O ये ब्रेक हो गए तो क्या होगा, H2+O2, राइट। ये लिक्विड फॉर्म में है, जब इसको हम गर्म करेंगे तो इसमें से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों सेपरेट हो सकते हैं और हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक गैस के फॉर्म में, ये भी गैस के फॉर्म में, ये रिलीज हो जाता है, ये है लिक्विड के फॉर्म में। तो जब ये अलग अलग हो जाते हैं तो क्या होता है, अलग अलग होने के बाद इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एलिमेंटल फॉर्म में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका भी 0, सो ये दोनों के दोनों एलिमेंटल फॉर्म में, एटलीस्ट हमने शब्द लिखा है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट कंपोनेंट एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, ये दोनों के दोनों एलिमेंटल फॉर्म में है। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और इसकी -2 है। अब यहाँ से -1 से घट के ये क्या हो रहा है, घट के 0 हो रहा है, और -2 से बढ़ के 0 हो रहा है। तो जिसका बढ़ रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है ये जो हो रहा है इसका इंक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसलिए ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, डाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड, राइट। और ये इसका रिड्यूस हो रहा है तो इसलिए ये हो रहा है रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है इसका।
क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसका हो रहा है यहाँ पे भी साइमल्टेनियसली, लेकिन इनमें से कम एक जो होने चाहिए वो एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए, राइट। अगला एक दो एग्जांपल और लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम हाइड्राइड जो है ये सॉलिड स्टेट में होता है, इसको भी अगर हम हीट करें तो सोडियम और हाइड्रोजन अलग अलग हो जाते हैं। अब सोडियम और हाइड्रोजन इसमें भी अलग अलग हो जाते हैं और इस तरीके से इनकी ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज होती है। कैसे? ये तो एलिमेंटल फॉर्म में है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जीरो। अब हाइड्रोजन अकेले तो होगा नहीं, तो हाइड्रोजन में क्या बनेगा? H2 होगा। हाइड्रोजन अकेले तो एटम है, H2 जो है वो क्या है? नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन, तो इसलिए H2 हो गया। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि 2H हो जाए, और यहाँ पे सोडियम भी 2 हो गया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी थी? हाइड्रोजन की क्या थी? +1, और +1 की -1। अब हाइड्रोजन और सोडियम में दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? सोडियम, तो सोडियम की होगी +1 और हाइड्रोजन की होगी -1। अब +1 से घट के इसका क्या हो रहा है? जीरो, तो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो ये रिड्यूस्ड हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और इसका -1 से पढ़ के जीरो हो रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी दोनों एलिमेंटल फॉर्म में आ गए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं, ये KCLO3 पोटेशियम क्लोराइड को अगर गर्म करें तो ये पोटेशियम क्लोराइड KCl प्लस O2 ये मिलेगा, KCl प्लस O2। तो ये पोटेशियम क्लोराइड और KCl प्लस O2 मिलेगा। अब इसमें क्या है कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जरा देखें तो क्या होता है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर? इसमें पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, क्लोरीन का क्या है? -1, ऑक्सीजन का क्या है? -2, है ना, तो ये -2। अब यहाँ पे इसका क्या रह गया? +1, क्लोरीन का क्या है? -1, है ना, +1 -1। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे एक मिनट, ये 6 हो गया ना, तो इसकी होगी, थोड़ा देखना होगा, KClO3, तो इसकी क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो होगी 5+5, क्योंकि 5+1 6 -6 0। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे +1 और ये -1 और यहाँ क्या है? 0। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 5 से घट के -1 रह जा रहा है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है, रिड्यूस्ड। और इसका ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? -2 से बढ़ के 0 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, तो ये हो रहा है। लेकिन क्लोरीन का अगर पूछो पोटेशियम का क्या हो रहा है, तो पोटेशियम का कुछ नहीं हो रहा जी, पोटेशियम का तो पहले भी +1 था, अब भी +1 है, उसका ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर चेंज ना हो तो इसका मतलब है कि उसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जैसी कोई बात नहीं हो रही है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप जो पोटेशियम है के है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, तो ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और ये क्या है? गैस। तो ये इसलिए इसमें ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने पीछे भी एक एग्जांपल देखा, यहाँ पे भी एग्जांपल देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी एक एलिमेंट का चेंज नहीं हो रहा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारे के सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ना हो? ये पॉसिबल है क्या? जी हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है कि ऐसा भी रिएक्शन हो सकता है जिसमें किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो ही ना और रिएक्शन भी हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, है पॉसिबल। आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट किया जाए तो क्या क्या मिलेगा? ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा? ब्रेक होगा मतलब डिकम्पोजिशन होगा, और डिकम्पोजिशन होगा तो क्या क्या मिलेगा? ये बात सबको पता है कि जब ब्रेक होगा तो उसे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो आइए इस एग्जांपल को देखते हैं कि क्या ये है CaCO3, इसको अगर हीट किया जाए तो मिलेगा CaO + CO2, ये है गैस, है ना।
और ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ये है सॉलिड, ये भी है सॉलिड और कैल्शियम। अब जरा बैलेंस कर ले पहले, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन थ्री है और यहाँ एक दो तीन, ये भी तीन है, तो इसका मतलब है कि ये बैलेंस्ड है। अब जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या है, ये अगर मैं चाहूँ कि इस पे लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस टू और ये -6, तो -6 प्लस टू प्लस फोर, कार्बन की प्लस फोर है और इसका -2, -2 इंटू 3 -6 प्लस 6 जीरो हो गया। ये नेचुरल फॉर्म में है इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ऐसी है। यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर है 2 और ऑक्सीजन का भी है -2, है ना। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन का है -2, -2 इंटू 2 -4 और कार्बन का भी है +4। इसका मतलब कार्बन का +4 तो पहले भी था और कार्बन का +4 अभी भी है, इसका मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर पहले भी 2 था +2, अब भी +2 है, इसका मतलब कैल्शियम का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पहले भी -2 था, अब भी -2 है, यानी ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ डिकम्पोजिशन तो हुआ है, एक बड़ा एलिमेंट दो छोटे छोटे कंपाउंड में ब्रेक हो गया और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अल्दो ये नहीं कह सकते कि इसमें कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, तो एलिमेंटल फॉर्म तो यहाँ है नहीं, लेकिन ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है ना, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, रिडॉक्स नहीं है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकते हैं जो रिडॉक्स नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन उन्हीं को कहेंगे जिसमें डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें कम से कम एक एलिमेंटल फॉर्म में हो, और वहां पे एक एलिमेंटल फॉर्म में अगर होगा तो वहां पर निश्चित रूप से या तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा या घटेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इसका मतलब है कि ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शंस। आप ये समझ सकते हैं इस डिस्कशन से, क्या डिस्कशन समझे, कि ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शन decomposition reactions are not redox reactions, ठीक है, all decomposition reactions are not redox reactions। ये बात समझ में आ गई और इसका ये एक एग्जाम्पल है, सुंदर सा एग्जाम्पल है जिसको आप समझ सकते हैं। व्हाई? बिकॉज़ देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट एंड देयरफॉर नो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज फ्रॉम इट एंड देयरफॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन बट स्टिल दे आर नॉट रिडॉक्स। आई होप यू गॉट इट, समझ में आ गया बात अच्छी तरह से। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि हमने सीखा एक कंपोजिशन रिएक्शन होता है, एक डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है। कंबिनेशन में क्या होता है, दो जो सब्सटेंस है वो आपस में कंबाइन करते हैं और उनकी शर्त क्या है कि उसमें कम से कम एक जो होना चाहिए वो एलिमेंट होना चाहिए और मिल करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। इसी तरह से डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है सर, कि एक बड़ा सा सब्सटेंस के जो कंपाउंड है वो ब्रेक हो करके दो या दो से ज्यादा में ब्रेक हो जाए, लेकिन ब्रेक हो तो उनमें से कम एक जो आउटपुट हो, प्रोडक्ट जो हो, वो एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। तो ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। लेकिन इसके साथ एक और भी एग्जाम्पल हमने देखा कि कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं होता, इसका मतलब उस एलिमेंट का न तो ऑक्सीडेशन हो रहा है न रिडक्शन हो रहा है। और अगर पूरी के पूरी कंपाउंड जो है उसमें किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ना हो तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो होगा लेकिन ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी इस तरह से, राइट ना, जो हमने एग्जाम्पल देगा तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होंगे लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होंगे, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। सो इस तरह से आज की क्लास इतनी ही, अगली क्लास में फिर बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी बिफोर यू। और अगली क्लास में पढ़ के आना अच्छे से,
फिर अगली क्लास में हम आगे बात करेंगे, ठीक है? थैंक यू, पढ़ के आओगे ना? हाँ बिल्कुल, पढ़ के आना, अगली क्लास में आगे बात। गॉड ब्लेस।